Cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. केबीसी में करोड़पति बनने के सपने, तो किसी का अगला इंडियन आइडल बनने का सपना। ऐसा ही एक आइडल इंडियन सपने देख रहा था, एक्टर बनने का। आदि, मैं हूं आज का नया देवदास आदि, और पिक्चर का नाम होगा आदिदास। मैं हूं टाइगर, मैं हूं एकता। टुगेदर वी आर एकता टाइगर। मैं हूँ सुपर हीरो ब्रावन, और मैं इस धरती की औरतों को सपोर्ट देने आया हूँ। मैंने आदि को बहुत समझाया कि देख, तेरा बाप कोई जितेंद्र या धर्मेंद्र नहीं है जो तेरे लिए फिल्म बनाएगा, लेकिन आदि नहीं माना। और हकीकत आप खुद देख लीजिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली शॉपिंग नेटवर्क, आपकी शॉपिंग का डेली डोज। दोस्तों, आम फेयरनेस क्रीम तो सिर्फ आपके चेहरे को गोरा करती है, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी जादुई फेयरनेस क्रीम जो आपके पूरी बॉडी को गोरा कर देगी। चलिए मिलते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के पहले यूजर से। प्लीज वेलकम जॉन गिलबर्ट। थैंक यू वेलकम जॉन। तो जॉन, बताइए इस
प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपका अनुभव कैसा रहा? ओ सूजी, मैं क्या बताऊँ, इस प्रोडक्ट ने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। एक वक्त था जब मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काला हुआ करता था। ये देखिए मेरी पहले की तस्वीर है। ओह माय गॉड जॉन, आप तो बिल्कुल अलग ही दिखते हैं। शुक्रिया, ये चमत्कार टोटल बॉडी वाइट करता है। मैं इतना काला था कि एक बार जब मैं किसी काम से अफ्रीका गया था तो वहाँ के काले लोग भी मुझे कालिया कहकर चिढ़ाते थे। मैं इतना काला था कि मेरी बीवी मुझे रात को टॉर्च लेकर ढूंढती थी। मैं जिंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुका था और तभी मुझे टोटल बॉडी व्हाइटनर के बारे में पता चला। आज नतीजा आपके सामने है। आज मेरे शरीर का सिर्फ एक हिस्सा काला है। कौन सा? मेरी आंखें। लेकिन आजकल इसे तालियां कम कालियां ज्यादा मिल रही थी। यू सी, सिड की 7:30 चल रही थी। राहू ने तो इसके करियर की राहुल रॉय कर दी। आज इस बेचारे के तारे जमीन पर थे। भाग्यश्री राजश्री मिताली जोशी। Nice to meet you. लेकिन बाकी सारी का है? ये मेरा ही नाम है। वैसे फ्रेंड्स कॉल मी बीजे। बीजे? मेरा नाम सुनकर तुम्हारा मुख क्यों खुल गया? नहीं, वो पुराने आते ताजा हो गए। और वैसे अमेजिंग ना, वो डीजे अरे तू बीजे। नॉटी, आओ हमारे साथ है। तेरे साथ है? You know, you're really good. Oh, thank you. And I have something for you. Famous businessman Jethabhai Joshi ka naam suna hai? Oh, wo jo Agra mein Viagra banate hain? Haan, wahi. Main unki beti hoon. Kya? Mujhe laga wo product chalta hai nahi. Meri 4 behne hain. Itna chalta hai? Anyways, we are organizing this big party next week. Aur main chahti hoon wo party tum bachao. Me? Yeah, sure. I would love to. Yeah? Hey, bhai. Aane ragdo, mane chaat. Jeez, sir. Vaise party kab? Thi abhi to yahi thi, kahan chali gayi? Oh. बीजे, चल बेटा जल्दी अंदर चल, अंदर जाने कपड़ा बदली ले। ए भाई, लेडीज चेंजिंग रूम के बाहर तू क्या कर रहा है? मैंने बीजे जोइए छे। शो? अरे बोला ना, मैंने बीजे जोइए छे। बीजे जोइए छे? हाँ। अरे भद्रेश भाई, रमेश भाई, सूते भाई सूते। अरे आप बेशरम मानस ने बीजे जोइए छे, वहां पर मुठिया मारने की बात कर रहा था, यहाँ पर बोल रहा है मैंने बीजे जोइए छे। आपको यकीन नहीं हो रहा है? अरे आप अंदर जाके देखिए, तमे पण बीजे मल से। हमने पण बीजे मल से? एक क्रोध माणस, अरे मारो आने मारो। मारो।
nature with the groove, then we rock the place when the bass gets moved. Take it. काम के चक्कर में हम लोग पेज थ्री पार्टीज में बड़ी आस लेकर जाते हैं और इसीलिए आज भी हम यहाँ अपनी अपनी आस लेकर आए हैं। दिल पे पत्थर रख कर जा रहा हूं पैमेला। I'll be back. तू और तेरी पैमेला। Dude, इसे छोड़ और चल। हाँ, चल, चल, चल। अरे ये बता मुझे कि तेरे पास इसी पार्टी के पासेस है ना? अबे एक ही सवाल तू कितनी बार पूछेगा? ये ले, पहन ले। ये क्या है? ये Excuse me, पास? हाँ। और पास? ये आप क्या कह रहे हैं? इसने जो कहा तुम्हारे सर के ऊपर से गया ना? जी। इसलिए तुमको बाउंसर कहते हैं। ये मेरे साथ है। किचन स्टाफ। राइट। और तुम लोग ना थोड़ा काम पे ध्यान दो। आजकल ऐसी पार्टियों में घुसने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अब हमें ही देखो। थैंक यू। चलिए। तो पूरा पेस्ट्री क्राउड है यार। आई नो। वो देख, मिसेस गोदरेज। व्हाट अ कूल लेडी। तू जानता है उन्हें? नहीं यार। तो तुझे कैसे पता चीज कूल? वो फ्रिज बनाती है ना, तो भी ना। व्हाट अ लेडी। तू चल। Hey, वो देख तेरा शिकार। रोहित सर। Are you saying this guy's following you everywhere? हाँ यार क्या बताऊँ? ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस के गेट पे खड़ा रहता है, स्टूडियो जाता हूँ तो स्टूडियो के गेट पे। समझ में नहीं आता उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। Thank God he's not here. Seriously? This guy is really affecting me. उसकी आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। मुझे तो दिख भी रहा है। सर, एक चांस, please. Excuse me. एकता, उल्मा. How can you tell me now कि DJ नहीं आया है? 10 minutes में मेरा शो शुरू होने वाला है। क्या? डीजे नहीं आया? Yes, यहाँ पर। ऐश कर। What am I gonna do about the music? सर, why don't you try me out, sir? Try you out? I'd love to. लेकिन म्यूजिक का क्या? सर, मैं म्यूजिक की ही बात कर रहा था। Why don't you try me out for the music? You think you can handle this? Handle? सर, मैंने सब जगह बजाया सर। एम्स्टरडम से लेकर पुछे तक। Trust me. Oh, I love confident men like you. Come. सर, एक चांस प्लीज। टेम्पो ब्लास्ट करने वाला हूँ, ट्रेन ब्लास्ट करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पूरा सेट ब्लास्ट कर दूँ। बस मुझे तलाश है एक नए एक्शन हीरो की। इसको कोई लेके जाओ भाई। लेके जाओ, लेके जाओ। होता है, कई बार ऐसा होता है जब काम नहीं मिलता है लोगों को तो ऐसा हो जाता है। प्रशीन।
क्या देख रहा है डूड? वो लड़कियों के इस्तेमाल करने की चीज है। पता है यार, लेकिन सोचता हूं मैं भी एक पैकेट खरीद ही लूं। मेरा भी बहुत बुरा पीरियड चल रहा है यार। दो पैकेट खरीद। जाना मेरे दूध को कर्ज निभाना। डेली शॉपिंग नेटवर्क आपके लिए लाया है एक नायाब तोहफा, एक ऐसी मशीन जो आपका वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं? देख, इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। एक्टिंग साले, जब देखो तो टीवी पे रेप विक्टिम की तरह नजर आता है। कभी तो इज्जत तरह काम किया कर। बहुत जल्द मेरी किस्मत बदलने वाली है डूड। फेमस एस्ट्रोलॉजर सुनीता मेनन को मिलने जा रहा हूँ। इधर 7.5 ने जेब में 7.5 रुपए नहीं छोड़े, उधार के घर में रह रहे, और तू एस्ट्रोलॉजर पे पैसे वेस्ट कर रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? व्हाट? एक मिनट, कैसी कैसी लड़कियां तुझे फोन करती है यार। मैंने पूछा हु स्पीकिंग, तो बोलती है आई एम वेट। लगता बेचारी तकलीफ में, मैं उसकी तकलीफ दूर करता हूं। हेलो, हाँ जी, नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूं। एक मिनट। अबे इडियट, वेट का मतलब है जानवरों की डॉक्टर, डॉक्टर गीला सुखानी, पागल। तू और तेरी गीला अभी बैठ के बात कर। हेलो, हाँ डॉक्टर सुखानी, हाँ, डंडन, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू सो मच। पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व। किसी ने सच ही कहा है, हर कुत्ते का दिन आता है। जुदाई का मौसम। मे आई कम इन? हाय सेट। ओह सॉरी, वो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। डॉक्टर गिला, आपको कोई गीला कोई गिला शिकवा तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल सेट। हाय साकरू, वैसे ऑल सेट एंड डन सेट। Your dog's got a lot of style, huh? I know. It's called doggy style. Doggy style? I like that. मैं अपनी नहीं, मैं सकरू की बात कर रहा हूँ। Yeah, of course. Pagla? Hello? Pagla? Oh, yeah. Sorry. Hey, सकरू. Hi, handsome baby. Sid, you must be so proud of him, na? अरे, फकर है मुझे इस पे। जब से अपने पैरों पे, मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घर का खर्चा, गाड़ी का ईएमआई, सब इसी की तो मेहनत की कमाई है। माय बॉय। लो, मधुबाला और चिंकी भी आ गए। हाय चिंकी। सिद, ये मधुबाला है, चिंकी यहाँ है। हाय चिंकी। हाय। ओह। वैसे ये म्यूजिक किस लिए है? इसके लिए, अगर ये मूड में नहीं होगा तो परफॉर्म कैसे करेगा? ओह रियली? आई डिडंट नो, आजकल कुत्ते भी मूड्स इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले कि मूड ऑफ हो जाए, हम लोग शुरू करते हैं। वैसे सिद, I must say, your dog, lot of stamina, huh? इस मामले में तो वो मुझ पे गया है। naughty, huh? वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है, देना है। गिफ्ट, सकरू।
डायमंड लॉकेट? हाँ, वो शशिकला याद है, सोपली ज्वेलर्स वाली? हाँ, ऑल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी हैड गिवन अप ऑन हर, सबने कहा वो बांझ है। ओ, लेकिन आपका सक्रू, सक्रू ने शशिकला की गोद खुशियों से भर दी। माँ बाप ने तो मुझे सिर्फ पैदा किया है, पर पाल पोस के तो तू बड़ा कर रहा है। मेरे पग, गिव मी अ हग। टैरो कार्ड्स। ओह, आई एम सॉरी। चूज वन। क्या कहा था तुमने? काम क्या करते हो? जी, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। Then get set for stardom. Really? You are going to be famous. Very famous. लेकिन अपनी मेहनत से नहीं, किसी और की किस्मत से। एक लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में, योर सोलमेट, और उसके आते ही तुम्हें एक बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी। ये लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? उस लड़की का नाम स अक्षर से शुरू होगा, बस अपनी आंखें खुली रखना। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सामने ही बैठी हो और तुम उसे पहचान ना पाओ। गो फाइंड हर। ओके ओके। इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? व्हाट डू यू मीन? अब जान के भी अनजान क्यों बन रही हैं? मुझे पता है आप मेरी और आपकी बात कर रही हैं। सर से सुनीता जी, मैं किसी और लड़की की बात कर रही थी। मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। I'm sorry. पता नहीं कहां मिलेगी वो लड़की। The girl with an ass. खबर उठे तन सिहर उठे, जब खबर उठे के आवे सिंघन। नाव अगर चले, नाव अगर चले, बस कहर चले जब आवे सिंघन। मी खजुराव सिंघम, फक्त खातो चिंगम। आता माझी सटकली, आता माझी सटकली। कट, गुटे गादी। ओके था ना? थैंक्स यार, फोन करके बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, बाय, सी यू। अक्सर ये कहा जाता है कि मॉडल्स का चाल चलन कुछ ठीक नहीं होता। इसका एक सीधा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह इस मॉडल ने रैंप पर गिरी हुई हरकत करके फॉल कलेक्शन को एक नया मतलब दे दिया है। इसी विषय पर देखिए हमारी खास पेशकश, मेरे दो अनमोल रतन। आज रात 9:30 बजे, तो देखते रहिए कल तक for the best news. I mean, for the best news. Mom. हाँ मॉम। नहीं, मैं घर नहीं आ रही हूँ, मैं अन्नू के साथ हूँ। मॉम, मैं क्या करूँ अगर डैड किसी को फेसबुक पे फेस दिखाने के लायक नहीं रहे? मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया है that I'm just not ready for marriage. मॉम, कम से कम अब आप लोग लड़का देखने से पहले 10 बार सोचेंगे। आज फाइनली मॉम डैड को दिखा दिया। हेलो, इधर मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया। सवेरे से सारे न्यूज चैनल्स मेरे क्लिप्स दिखा रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 9/11 के बाद वापस कोई ट्विन टावर्स न्यूज में आए हैं। शट अप सिम, डैड विल किल मी व्हेन आई गेट टू गोवा। अच्छा, उस डीजे का कुछ पता चला?
कोई डीजे सिड है, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो वो तो गया। सॉरी यार, सॉरी। आज बॉस हेलो हाँ बोल। क्या पाइल्स कार्ड? अबे साले कभी तो कोई ढंग का काम लाया कर। तू मेरा एजेंट है कि आईएसआई का? अच्छा भाई टिकट टिकट सर टिकट। मैडम टिकट। एक मिनट हाँ, यही तो रखी थी। ठीक से चेक कीजिए या तो फिर आपने टिकट ली नहीं होगी। What the hell do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने टिकट खरीदी ही नहीं है? देखिए मैडम। क्या देखिए? मुझे देख के लगता है कि मैं टिकट के बिना ट्रैवल करूंगी। एक तो आपके पास टिकट नहीं है, ऊपर से आप मुझ पर ही रोक। देखिए भाई साहब, ये कह रहे तो मान लीजिए ना, टिकट ली होगी नहीं मिल रही है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कह रहे हैं तो आइंदा संभाल कर रखना। टिकट टिकट प्लीज। यू वेलकम। बाय, टेक केयर। बाय। Excuse me, please don't mind me saying, पर बस हो या ट्रेन, एक मिस हो जाए तो दूसरी आ जाती है, but not life, so please don't risk it. ऐसा लग रहा जैसे शबाना आजमी के मुंह से एंटी स्मोकिंग कैंपेन सुन रहा हूँ। हाँ हाँ आ रही हूँ। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ क्यों? और बस के पीछे पीछे आ रही थी? हाँ। कार के होते तुम बस में क्यों ट्रैवल कर रही थी? बस में ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और है, स्पेशली विदाउट टिकट। विदाउट टिकट? बाय द वे आई एम सिमरन। आई एम आदि। नाइस टू मीट यू एंड थैंक्स अगेन। हेलो हेलो या स्पीकिंग या क्या चिंगम के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया? या शो 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 ओके या थैंक यू यस यस यस। अगर ये फिल्म मिल गई तो मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। इस लड़की का नाम स अक्षर से शुरू होगा। सिमरन सुनना सिड, अगर सिमरन मुझे फेसबुक पे मिल गई हाँ तो मैं उसके वॉल पे क्या लिखूं? लिख इस वॉल पे पेशाब करना मना है। डूड तुझे नहीं लगता तू एस्ट्रोलॉजर की बात को ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है? डूड प्लीज, उसका नाम सर से शुरू होता है, उसके मिलते ही फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। सोचना यार, वेयर डू यू थिंक आई विल फाइंड हर? ओके, तेरी ये जो सिमरन है, तुझे क्या लगता है उसे क्या पसंद है? Do you think she likes to party? क्यों? See, if she is the party type ना, then we should look for the best and the most happening dicks in town. क्या? Hmm. कितनी बार कहा है तुझसे? It's disc, not dicks. हाँ. It's ask, हाँ. not asks. हाँ. एक दिन ऐसा फंसेगा ना तू, याद रख. याद? याद से याद है, मैं तो भूल ही गया यार. आज तो मुझे किसी को जॉब के लिए मिलना है. चल. अबे ए, अपने सीडीज तो लेके जा। मेरे पास हार्ड डिस्क है ना। सॉरी सर, यू आर लेट, हमने किसी और को हायर कर लिया। नेवर माइंड। श्योर, थैंक यू। इस सारे साथी ने तो मेरे करियर की। ये तो वही लड़की है। Hello. How can I help you? You want something to drink? Oh, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। ना,
I'm the guy who changed your life. Really? जिस डीजे के वजह से तुम्हें हर सोशल नेटवर्किंग साइट पर, हर न्यूज चैनल पर इतनी पब्लिसिटी मिली है, वो डीजे तुम हो और इस वक्त मेरे सामने खड़े हो। यकीन नहीं हो रहा है ना? डीजे सिर। अनु। Nice to meet you. अनु। But by the way, you were fantastic that night. Oh, really? Thank you. In fact, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। You see, there's this big party and you just have to play it. Oh, me? Yes. Really? Yes. I would love to. Thank you. Come on. तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है. It's time for me to return the favor, no? तुम भी ना? हाँ मैं. दो मिनट हाँ, मैं जरा कंफर्म करके आती हूँ. Don't go anywhere. I'll be right back. ना. Yeah. I'm right here. Table number 50. Alvin. ठीक है ना? Yes, ma'am. याद है तुमने मुझे बताया था यहाँ पर हर फ्राइडे वो औरतें मेल एस्कॉर्ट्स को हायर करती हैं। मैम वो रूम नंबर 1769। हाँ एग्जैक्टली। इज इट ऑन टुनाइट? यस मैम, लेकिन क्यों? मैं किसी को भेजना चाहती हूँ। अरे मैम कैसी बात कर रही हैं आप तो जानती ही हैं उस रूम में क्या क्या होता है, फिर भी I know, but trust me, Alvin, this guy really deserves it, man. May I come in? Come in. Ganpati Bappa. Hello. Hello. वो मैं एक्चुअली आया था क्योंकि जानते हैं हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे. Come. Why don't you take a seat? Oh, sure. Thank you so much. Nice, very nice. हम नए टैलेंट को चांस देना ज्यादा प्रेफर करते हैं. Thank you. वैसे तुम्हारे चार्जेस? वो तो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए परफॉर्म करना है, 2-3 घंटे या फिर फुल नाइट. Well, हमारी पार्टी तो फुल नाइट चलती है. तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरी रात बजा सकता हूँ. क्या है? सर अनु मैडम ने आपके लिए ये भेजा है. अनु मैडम ने? जी. आई एम श्योर कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इज्जत कमाना किसे कहते हैं. वाह, सिमरन. छोड़ा एक बूंद भी न छोड़ा खाली फन फैक्ट.
यहाँ सुबह 4 बजे मेरे कॉल सेंटर के बाहर क्या कर रहे हो? वो कॉल करने आया था। कॉल करने? हेलो, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो तुम क्या देख रहे हो मुझे सब पता है। पता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना। How disgusting! पर तुम इन छोटे मोटे एड्स पे मत जाओ, ये तो मजबूरी है, इसलिए करना पड़ता है। ये हॉट सीट पे तुम हो? हाँ। और तब से तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो तुम मॉडल हो? नहीं, स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। हाँ, स्ट्रगल तो तुम्हारा यहाँ भी दिख रहा है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, I was convinced you had a clean heart. बस अब तुम्हारा सिस्टम क्लीन करने की जरूरत है। It's so cute. इसको तो फ्रेम कराना चाहिए। सेद? क्या? एक 8-10 दिन में ये घर खाली कर देना। हाँ, तू ये चड्डी वड्डी में घूमता रहता है ना, तेरी भाभी के सामने अच्छा नहीं लगेगा। मेरी भाभी? जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता रहता हूँ और जिसने मेरा इंटरनेट का बिल बढ़ा दिया है। तू सनी लियोन से शादी कर रहा है? मैं किसी और जिस्म की बात कर रहा हूँ। सिमरन, एकदम यश चोपड़ा राज कपूर की हीरोइन जैसा नाम है ना, आजकल की हीरोइन जैसा नहीं। ये तू सिमरन से शादी कर रहा है? उसने हाँ बोल दिया? हाँ, अब हाँ बोलेगी कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना तब। अच्छा सिद्ध, सुनना। हाँ। कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना, तू मेरा मोबाइल पे वीडियो शूट कर। वो तो फ्यूचर ईशान और सारिका भी देखेंगे ना। अब ये ईशान और सारिका कौन है? हमारे होने वाले बच्चे। तुझे 9 दिन नहीं हुए उससे मिले और तू 9 महीने की बात की प्लानिंग कर रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस है, तू नहीं समझेगा। मुझे बस अब उससे एक सवाल पूछना है कि विल यू मैरी मी, और उसे जवाब देना है यस। इसे तो अब सिर्फ रजनीकांत ही बचा सकता है। सिमरन, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। फिर वाइन पिलाने का क्या फायदा? चिल, I'm just kidding. वैसे ये सब किस लिए? मेरे घर एक शादी होने वाली है। You have to be there. तुम बुलाओगे तो definitely आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, वरना शादी कैसे होगी? मैंने तो कार्ड्स भी छपा दिए। Nice. वैसे शादी किसकी है? हमारी। What? Will you marry me? No. Yes, I knew it. अगर तुम्हारे पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं आदि, पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई और लड़का है तुम्हारी जिंदगी में? No, it's not that. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये है
I like girls more than boys. इसको तो रजनीकांत भी नहीं बचा सकता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? Even I like girls more than boys. समझने की कोशिश करो आदि। I like girls more than boys. दोस्ताना देखिए। हाँ। जॉन और अभिषेक। यानी उधर जॉन, इधर जिग्ना। Dildo. Ma'am, would you like to have anything else? Yeah. Sorry, ma'am. आजकल बीच पे भी परमिट लगता है. धोबले साहब अलाउ नहीं करते. How sad. Yeah. Excuse me. हमें कुछ नहीं चाहिए. आप जाइए ना यहाँ से. जाइए. लेकिन इस तरह अचानक तुम्हारी टेस्ट कैसे बदल गई? तुम्हारे साथ रहने के बाद आई रियलाइज. मेरे साथ? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं. एग्जैक्टली. आई एम सॉरी आदि, प्लीज टेक केयर, बाय. ये वीडियो यूट्यूब पे राइट कर देगा. अगर तू किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में होता ना, तो तू जरूर कन्वर्टर होता. कन्वर्टर. और अभी टी शर्ट उतार दे तू. इसे पहनने का हक तू बिल्कुल खो चुका है. लड़की की तरफ से तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड मिलता है. देख, तू उंगली मत कर. छोड़ना. लुक एट द ब्राइट साइड. तू लड़की को इतनी महंगी डायमंड रिंग गिफ्ट करने वाला था, अब उतने पैसे तो बच गए ना तेरे, है ना? एक मिनट, वो रिंग भी ले गई. देख, वो ऐसी नहीं है. मेरा दिल नहीं मान रहा है. समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. शिट, ओह माय गॉड, चिंगम भी हाथ से निकल गई. और तू हंस रहा है? वो आई तो पिक्चर आई, वो गई तो पिक्चर भी गई. एक बात तो कंफर्म है डूड, कि सिमरन ही मेरी सोलमेट है. बस अब मुझे ये पता लगाना है कि उसने मुझे ये स्टोरी क्यों दी. What? तू भी हाई दे है. एक तो तुझे लड़की के लिए छोड़ के गई, ऊपर से तेरा डायमंड रिंग भी लेके गई, और तू अब भी उसे अपनी सोलमेट मानता है? तुझे तो रिप्लीज के बिलीव इट और नॉट में होना चाहिए था. हेलो, इतना हंस मत. वो रिंग तो मेरी थी, लेकिन उसके ऊपर जो डायमंड है ना, वो तेरा था. बॉस, मेरे पास कोई डाय. सकरू का डायमंड? उस रिंग पर सकरू का डायमंड था? यस. अबे साले, इस बेचारे सकरू ने इस डायमंड के लिए खून पसीना ही नहीं और भी कुछ भाया यार. बस मुझे अभी के अभी सकरू का डायमंड चाहिए. पता लगा सिमरन कहाँ पे? पता लगा? Going to chill in Goa. इसकी स्टेटस पे लिखा है. ओह, डायमंड मिलते ही गोवा. लगता है उसने डायमंड बेच दिया. देख, सिमरन ऐसी वैसी लड़की नहीं है. आई अग्री. गोवा पहुंचने के बाद डायमंड बेचेगी. चल, we are going to Goa right now. चल. सिमरन. डायमंड की रिंग नहीं देता. यू नो, आई स्टिल डोंट गेट इट. उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी?
that you like girls more than boys? Anu, this guy is a psycho. 400 बार उसने फोन किया है तब मैं उसे मिलने गई हूँ। अगर उसे कह देती कि कोई और लड़का है तो पता नहीं वो क्या करता। अब अगर लड़की की टेस्ट ही डिफरेंट हो तो कोई लड़का क्या कर सकता है। अच्छा सुन, अगर किसी दिन वो हमारे सामने आ गया ना तो हमें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। You're just too much. मुझे लगता है कि साइको वो नहीं, तू है। लेकिन forget all that. It's party time now. अरे पार्टी से याद आया, I hope तुम्हारे डैड की वो New Year's party is still happening, right? मैंने तुम्हें बताया नहीं सिमरन, लेकिन दादी के गुजरने के बाद डैड थोड़े पागल हो गए हैं। क्या? जब तक फिल्मी चीज कलेक्ट करने का शौक था तब तक ठीक था, लेकिन पा फिल्म देखने के बाद उन्होंने तो हद कर दी यार। 5 प्रोगेरिक बच्चों को गोद ले लिया। Can you believe that? Finally. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming. Hi, Dad. Hi, Uncle. My daughter. Dad. Okay, sorry, my darling. Merry Christmas. Merry Christmas. Hi, gifts ka hai? Of course, you will get your gifts. But usse pehle, mere gifts ke baare mein poocho. Poocho. What? Mother Mary ne meri mother ko wapas bhej diya hai. वापस आ गई है। What? लेकिन दादी तो विश्वास नहीं होता ना, पुनर्जन्म लेकर आई है और तुम्हें देखकर तो खुशी से पागल हो जाएगी। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? मम्मा देखो तो कौन आया है, माँ आ गई है। माँ इज लुकिंग एज ग्रेसफुल एज एवर। माँ के पैर छुओ बेटा। अरे तुम क्या कर रही हो? ये माँ नहीं है, ये तो माँ की आया है। माँ तो इनकी गोद में है। ये माँ है? डैड, ये आपकी माँ कैसी हो सकती है? Have you gone mad? Mind your language. माँ को अंदर ले जाओ, यही माँ है। गुरुजी की कृपा से यहाँ आई है। गुरुजी? अब ये गुरुजी कौन है? एक महान पुरुष है, एक ऐसे महात्मा जो पूजा, अर्चना, भक्ति, ज्योति और साधना में घुसे रहते हैं। मोह माया से भरी इस दुनिया को त्यागने के लिए न जाने कितनी अग्नि परीक्षाएं दी हैं इन्होंने। गुरुजी की नजरों से कुछ भी नहीं छुपा, उनके पास दिव्य दृष्टि है। 7 साल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है उन्होंने। कौन सा पैर ये मत पूछना। और इसी खड़ी तपस्या का फल है कि आज गुरुजी भगवान से डायरेक्ट बातें करते हैं वाया सैटेलाइट, और इसी वजह से भक्तों ने गुरुजी को प्यार से नाम दिया है बाबा त्रिजी। Why this कोलवरी 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 डी? Why this colabory, 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 colabory? आइए आइए मार्लो जी, बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं, लीजिए प्रसाद। ओहो, द्वारकाधीश, पूजा खत्म होते ही प्रसाद खाने आ गए। घर पे सब कैसे हैं? मीरा जी, राधा जी, आई होप एवरीथिंग इज कूल इन गोकुल। मैंने कहा था ना, भगवान से बातें करते हैं। क्या ऊपर सब कुछ ठीक नहीं है? सुदामा के साथ ओसामा? मैंने पहले ही आपसे कहा था ना कि सुदामा की गरीबी दूर कीजिए। अब देखा ना क्या आउटलाइन पर? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मार्लो जी, त्रिजी जी, सुदामा की गरीबी दूर करने के लिए एक $15,000 का मनी ऑर्डर भेजता हूँ। डॉलर? सुदामा मायामी में रहते हैं ना? सुदामा मायामी में रहते हैं, सुदामा मायामी में रहते हैं। त्रिजी जी, ये मेरी बेटी है, वो अनु, और ये उसकी फ्रेंड है, वो सिमरन। अप्सराए है, अप्सराए है। हेलो, चक्कर क्या है? और ये मेरी दादी कहाँ से आई? क्या कर रही हो?
गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। डैड ये मुझे साक्षात्कार हुआ कि वो कुतिया किसी महान व्यक्ति की माँ है और मेरे दिव्य दृष्टि के सामने मार्लो जी का चेहरा आ गया। फिर क्या, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, देकर उन्हें वो कुतिया बनाया, उन्हें चू। भाग्यशाली भाग्यशाली। मार्लो जी, माँ के नाम से याद आया कि हमें चलना पड़ेगा। माँ के मैनिक्योर का वक्त हो गया है ना? माँ के मैनिक्योर का वक्त हो गया है और सुधामा को पैसे भेजने हैं। और सुधामा को पैसे भेजने हैं तभी तो वो पोहा भेजेगा। तो इस कार्ड का क्या फायदा? साहब क्या लेंगे आप? मेरे लिए कैपेचिनो और इसके लिए अल पचिनो। दो कैपेचिनो लेके आना। ये कैपेचिनो क्या होता है? और ये कैपेचिनो की होता है? तेरे को कैपेचिनो नहीं पता? हम तो है कैपेचिनो, कैपेचिनो। तुम पीलो जरा हसीनो, हम तो है कैपेचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। हम तो है कैपेचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। हम एक पे एक भरी है, सिर्फ जितने चाहे मारो। दंदन 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 हो दिल वालों के, दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। हवा पे हम झोंके, जो देखे वही चौंके। जब निकले पसंद में के हम फिक्सर। यार दोनों का मिक्सर, हर जगह हमारे सिक्सर। सारी दुनिया ये जाने, मस्तियों के हम फिक्सर। हमने कोरे की लेवन, हमने के 47। अरे तू ही बादल बन के हम तो भर के आए। बिहार लूटने, दिल वालों के दिल का करार लूटने, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। सुन लिए आपने यूपी के बोल? आता आयका महाराष्ट्र से ढोल। आम्ही मातीचे पुतळे आहोत, आम्ही या जागेचे राजे आहोत। आमच्या रक्तामध्ये आग आहे, आमच्या छातीमध्ये माग आहे, आमचा महाराष्ट्रावर प्रेम आहे। रसिकांच्या काळजाचा ठोका चुकवायला आम्ही आलो आहोत मुंबई लुटायला। दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। ओ दिल वालों के दिल का करार लूटने रे हम आए हैं। हाय रे हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। ओए जो हमने पिया था वो कैपुचिनो ही था क्या? अबे छोड़ ना, रात कई बात कई। सुन, मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ है। आजकल तेरे केस में सिर्फ सवाल ही खड़ा होता है। ये गाड़ी हमें गोवा लेके जा रही है कि हम इस गाड़ी को गोवा लेके जा रहे हैं? चल किसी से लिफ्ट मांगते हैं। चल लिफ्ट लिफ्ट।
लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। ये पकड़। वॉच एंड लर्न। क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम। Like this. Oh, sada cappuccino. Oh, kalla ta kamara binde aja. Lajo, lajo. Majority. Aye, shabash. अरे ये लोग, अरे मुझे क्या पता, ये तो पीछे से आ रही है। मिलेगी यार। अरे मैंने कहा अरे भाई साहब ये आपने, ओए थैंक यू की जरूरत नहीं है। और तुम कल्ले गड्डी को धक्का मारे थे तो हमने सोचा थोड़ी सी मदद हम भी कर देते हैं। वैली पार्किंग तो सुना था डूड, लेकिन ये तो वैली पार्किंग हो गया। अपनी फैमिली भगवान को प्यारी हो गई यार। कहते ऊपर जाने वाले साथ में कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन ये अपना सामान पैसे सब कुछ लेके गए यार। अब हम गोवा में क्या करेंगे। अपनी तो फुल लग गई डूड। Cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. पता है डूड, तू हमेशा मेरे साथ रहा है। जब मैं मुंबई आया मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तू था। हा? जब टेली शॉपिंग की वाहियात एड्स मिली, तू था। सिमरन ने दिल तोड़ा, तू था। वो रिंग लेके गई, तभी सिर्फ तू ही था। इसे ही तो कहते हैं सच्चा दोस्त। अबे घंटा सच्चा दोस्त, मुझे तो लगता है तू ही पनवती है। मनहूस। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। क्रिसमस। पार्टी। इधर रोटी कपड़ा मकान के बांधे हैं और तू इस पार्टी के बारे में सोच रहा है। यू आर नॉट गोना बिलीव दिस। जरा नीचे देख। अरे वहां नहीं, यहां यहां नीचे देख। पार्टी होस्टेड बाय ट्रिपी गुलाटी। अपने कॉलेज का ट्रिपी। अगर ये वही ट्रिपी निकला, अपनी तो निकल पड़ी बॉस। गिव मी अ फाइव। आखिरी ₹5 बचे हैं, वो भी मांग रहा है। गॉड। चल। ट्रिपी और इतना बड़ा घर। मार के पड़ा होगा। अरे ये तो अपना ट्रिप ही है। है नहीं था। आजी सिड तकरो, व्हाट अ सरप्राइज। तू लोग गोवा में क्या कर रहे हो। अरे ये पता तू फ्रिज में क्या कर रहा है। जस्ट चिलिंग गाइस, जस्ट चिलिंग। और वो इसको, वो इसको दूसरी लड़की के लिए छोड़ गई। और ऊपर से वीडियो यूट्यूब पे डाला मैंने। अब हंस के हो गया हो तो ये बता दे कि तेरे लिए ये सब कौन छोड़ गया है। हाँ यार, मेरे अंकल
बेचारे कुछ 20 दिन पहले वो मर गए। एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था उन्हें। स्विट्जरलैंड गए थे बर्फीली पहाड़ से बंजी जंपिंग करने। एक्साइटमेंट में बंजी पहनना भूल गए और सिर्फ गंजी पहन के कूद गए। तो फिर क्या, कूद से नीचे पहुंच गए ऊपर। मेरे लिए 5 मिलियन पाउंड छोड़ गए। 5 मिलियन पाउंड, वाओ। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये रुपीस में कन्वर्ट करके होते कितने हैं। देख, तेरा कन्वर्ट करने का कोई भी काम हो ना तो इसको दे, ये कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस माय गर्लफ्रेंड। क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन मजा बहुत आता है। मी योको ओनो। मी टेनी डेंजोंगपा। मी साले चीटर, एक ही नाम था वो भी ले गया। तू मनीषा कोरल बोल ना। अबे वो 1942 की है। यार तुम लोग भी ना यार। It's Christmas, let's celebrate, guys. Let's raise a toast to friends and good times. तुम लोग ने ग्लासेस क्यों उठाए? बात तो टोस्ट की हुई थी। क्या कूल है हम? चुप बॉय। See you there. Bye. Hi. You? माफी मांगने आया हूँ। फैशन शो में जो तुम्हारे साथ हुआ मेरी वजह से, I'm really very sorry. Cool. और वैसे भी उसका बदला तो तुम ले चुकी हो। रूम नंबर 1769 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस दिन समझ में आया कि एक औरत की तरह मर्द का भी एक ही गहना होता है। वैसे व्हाई डोंट यू लेट मी बाय योर ड्रिंक, वरना मेरी अपोलॉजी कंप्लीट नहीं होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, जस्ट वन ड्रिंक। ओके ग्रेट, आफ्टर यू। सो टेल मी, व्हाट ब्रिंग्स यू टू गोवा? छुट्टी या वर्क या फिर कुछ और? मैं यही रहती हूँ, मेरा घर पास में ही है। ओह, बट व्हाट ब्रिंग्स यू टू गोवा? वो मेरी एक चीज किसी के पास है। oh. वो मैं वापस लेने आया हूँ। ओके, वाओ, नाइस रिंग। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम त्रिभुवन दास है क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड, इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड समवन लॉयल दीस डेज। पता है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 70% ऑफ मेन चीट इन इंडिया। हाँ, बाकी के 30% बैंकॉक जाते हैं। वैसे तुम लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? वो तो डिपेंड करता है ना कि लड़की आ रही है कि जा रही है। यू हैव अ विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू। लिसन, मुझे जाना पड़ेगा। क्या इतनी जल्दी? आई एम रियली सॉरी, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। बट इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू एंड अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। I'll see you soon. Thank you. Bye. See you tomorrow at Adam's Club.
अनु देखना यहाँ कहीं कैंडल्स मिलते हैं क्या? Sure babe, I'll just check in का. Loser from YouTube, right? मर जाती पे कलंक हो तुम. कलंक? बहुत मजा आया ना तेरे को? पार्ट 2 देखेगा? साले अल्बाइनो की औलाद, आ जा देख ले वीडियो, पार्ट 2 देख लेना, अपना वीडियो देख ले, साले फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज कर ले. वाओ, तो ये है मार्लो का घर. ट्रिपी वाज राइट, यही है जो न्यूयॉर्क की इतनी बड़ी पार्टी दे सकता है. चल सकरू कम. तू यहीं पे रुक, मैं आता. ओके ए माली. अला अंतरा माली साहब का है? अंदर. हाँ ठीक है चल. माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मी माँ, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझने हैं माँ, तू है अमर का जहां. तू गुस्सा करती है, बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती सर, है. आपसे कोई मिलने आया है? कोई मिलने आया है? थैंक यू माँ, जा. मार्लो से पार्टी लेने के लिए उसे किसी भी तरह बोतल में उतारना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बोतल को उतारता हूं. ये तो कोई बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा लगता है. बिल्ला नंबर 786, फिल्म दीवार, 1.5 करोड़ रुपया. क्या क्या माइंड ब्लोइंग कलेक्शन है सर आपका. अब बाय द वे सिट सर. मार्लो. नो 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 नो, इट्स फ्रांसिस मार्लो. यस सर, आपको कौन नहीं पहचानता सर. जैसे मुझे पता चला कि आपको भी मेरी तरह फिल्मी चीजें कलेक्ट करने का शौक है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि बस आपसे तो मिलना ही पड़ेगा सर. अच्छा तुम्हें भी है? हाँ सर, और आप जैसे कदरदान से मिलने के लिए मैं खाली हाथ कैसे आता. इसलिए मैं आपके लिए एक एक नायाब तोहफा लेके आया हूँ सर. तोहफा 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 लाया लाया लाया. ऑरेंज जूस? नहीं नहीं सर, सिर्फ ऑरेंज जूस नहीं है सर, ये तो डेली वैली का ऑरेंज जूस है सर. रियली? हाँ सुनके देखिए. सिर्फ आपके इस कलेक्शन के लिए सर, स्पेशली. ओके हाँ सर. थैंक यू और ये लाल ब्लाउज देखो. हाँ सर. 3 करोड़ भाई. क्या 3 करोड़ का ब्लाउज और इतना डर्टी? मालूम है लेकिन पिक्चर भी तो डर्टी थी. विद्या पालन का ब्लाउज फ्रॉम द डर्टी पिक्चर. क्या हुआ तुम्हारी आंख क्यों भर आई? बात ही कुछ ऐसी है सर. क्या? जब मैं स्कूल में था तो लोगों ने मुझ पे बहुत उंगलियां उठाई क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था. लेकिन सर विद्या के लिए तो मैं आज भी भूखा हूं सर. मैं भी नेक्स्ट फॉलो द मार्लो. सर 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 ये कहां से सर? ओ ये. हाँ सर. वो शोले पिक्चर देखी थी? हाँ सर बहुत बार देखी मैंने. उसमें जो ठाकुर का नौकर था ना, वो रामू काका, वो इसी साबुन से अपने हाथ धोता था. हाथ धोता था? वो ठाकुर के हाथ नहीं थे ना इसलिए. सर वैसे ये कितने में लिया सर? ये सिप्पी साहब का पर्सनल गिफ्ट है मेरे लिए. आई ला श्रीकांत. ये श्रीकांत कौन सी फिल्म का है सर? विक्की डोनर. तो ये थी मेरी स्मॉल कलेक्शन. सर आपके केस में साइज डजंट मैटर सर. यू आर वेरी नाइस. वैसे तुम करते क्या हो? सर आई एम अ डीजे बाय प्रोफेशन सर. तुम डीजे हो? यस सर.
तो मेरे इस बार की न्यू ईयर की पार्टी में तुम ही बजाओगे? Yes. सर मैं? Of course. मैं? आजकल तुम जैसे कला की कदर करने वाले मिलते ही कहाँ हैं? No, I insist. Sir, you're so sweet. Always. सर, आपको मेरा म्यूजिक सुनना ही पड़ेगा. नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं. नहीं सर सुन लीजिए सर. या उसकी जरूरत नहीं सर. मैंने बोला ना. सर सुन लीजिए ना सर. ओके ओके. ये तुम हो? हाँ सर. सुनाने की परफॉर्मेंस चालू. I'm so proud of you. मेरी माँ का MMS निकाल रहा. माँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं. अरे कोई रोको. Shit. कोई इस वैसी दरिंदे से मेरी माँ को बचाओ. कुत्ता. I'm very sorry sir. मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरा कुत्ता है वो आपकी माँ के साथ इस तरह की हरकत करेगा सर. तुम्हारा कुत्ता? हाँ सर. यूजुअली मैं ऐसी चीजों के लिए चार्ज करता हूँ, लेकिन आपने इतनी बड़ी पार्टी दी उसके लिए फ्री. मतलब तुम्हारा कुत्ता ऐसी अश्लील हरकत कर करके पैसा कमाता? मतलब मेरी माँ के साथ संभोग करने वाला एक जिगलो है? नहीं नहीं सर, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. बस 72 घंटे के अंदर अंदर एक IPL दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा. माँ को IPL देने से पहले मैं स्लीपिंग पिल खाकर मर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा. ऐसी चीज काटूंगा कि दोबारा कभी पैसे कमाने के लायक नहीं रहेगा. Dad, are you okay? No, I'm not okay. मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के साथ जो हुआ, उसे मैं कैसे भुला सकता हूँ? आप एक और बात भूल रहे हैं, Dad. दादी जी का कैरेक्टर. I mean, she was so pure, so पवित्र. Yeah. आप जिसे माँ कह रहे हैं, उसने तो सबके सामने और वो भी किसी पराए कुत्ते के साथ. You are right. माँ तो पिताजी को हाथ ही नहीं लगाने देती थी, इसीलिए पिताजी ज्यादातर अपना वक्त घर के नौकर रामदीन के साथ गुजारा करते थे. पिताजी के रामदीन पे इतने एहसान थे कि रामदीन हमेशा उनके आगे झुका ही रहता था. डैड, जरा सोचिए, ये आपकी माँ कैसे हो सकती है? You are right. ये माँ कैसे हो सकती है? ये माँ कैसे हो सकती है? ये माँ कैसे हो सकती है? बॉस, अब ना आपके चेहरे से भी नकाब उतरने वाला है. जल्दी कुछ सोचो. सोचना तो पड़ेगा ही. अगर कुतिया के नाम पर खुला हुआ ट्रस्ट बंद हो गया तो बाबा 3G का इनकमिंग बंद हो जाएगा और हम यहां से आउटगोइंग हो जाएंगे. हाँ, और अगर पुराने धंधे पे वापस लग गए तो अपना तो बैंड बच जाएगा. बैंड नहीं, ब्रॉड बैंड. कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा. अरे सुनो, ये SNT की लाइट जलाओ. ये एडम एंड ईव नहीं, एडम एंड स्टीव है. दिस इज अ गे क्लब, ओके? यस, टुमारो नाइट एडम्स क्लब. डेफिनेटली, इसी क्लब की बात कर रही थी. Hey Adam, thanks for coming to the gay day cyber night and supporting our cause.
स्पेशल यहाँ के पिक्स। I didn't get your name. I'm sorry. Hi, sorry. I'm Sid. Sorry. You're so witty. And you're so Churchgate. Churchgate. By the way, मैं Adam हूँ. इस club का owner. Oh, ये क्या तुम्हारा है? What a place you have, man. Rocking. Go. कुछ साल पहले मेरा पार्टनर था स्टीव। I was the active partner, he was the sleeping partner. But recently he passed away. Oh, कैसे? It was an accident. उसके पास वाले घर में आग लग गई थी और मेरा स्टीव उस जलते हुए घर में कूद गया था लोगों को बचाने के लिए। स्टीव ने 7 लोगों की जान बचाई लेकिन बेचारा खुद नहीं बच पाया। Such a hero. बाद में पता चला कि जिन लोगों को बचाया वो फायर ब्रिगेड वाले थे, अंदर आग बुझा रहे थे। You know, you remind me so much of Steve. Who? Me? तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। Hi, Sid. अरे अनु तुम यहाँ? I'm surprised. Actually, तुम्हें यहाँ देखकर मैं ज़्यादा surprised हूँ। अरे क्यों? अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा? जा Dix, वहाँ sit. You're just too much. Oh, by the way, कल मैं parasailing के लिए जा रहा हूँ। Why don't you guys join me? Parasailing? That's such a great idea. नहीं नहीं. मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी? अरे अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। She has to come here. और अगर सिडनी आएगा तो मजा कैसे आएगा? You have to come. I okay, I'll come. yes. It's a pleasure meeting you. Leave me. The pleasure is all mine. ये बंदा कुछ ज्यादा इमोशनल लगता है। किसी ने सच ही कहा है। All good guys आया देखिए, हो मैरिड। बस स्टॉप। बहुत हो गया मार्लो जी, बहुत हो गया। इस बेवकूफ लड़की ने कह दिया और आपने मान लिया? This is too much. दुख इस बात का नहीं कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि आप इस पवित्र कन्या पे शक कर रहे हैं। इसे माफ कर दो माँ। मार्लो जी, आपको पता है उस दिन माँ से जो मिलने आए थे वो कौन थे? कौन थे? वो और कोई नहीं, आपके। आपके? 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 पिताजी थे। पिताजी? पिताजी? माँ? हाँ मार्लो जी, कल रात को जीजस और मैं डिनर करने गए थे। आवर लास्ट सपर। दिल्ली दरबार की बिरयानी जे को बहुत पसंद है। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके पिताजी दोबारा माँ की जिंदगी में लौट कर आए हैं, उन्हें वो देने के लिए जो पिछले जन्म में उन्होंने सिर्फ रामदीन को दिया था, पवित्र प्यार। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने आती। You are absolutely right. पिताजी को घर लाने की तैयारी करो। Of course, माँ, सुना तुमने? अब पिताजी भी वापस आ रहे हैं। Wow, कहीं दूसर और कहीं थीसम और अब तक मैं हैंडसम। कब से अकेले मजे हैं? ये क्या? सवेरे सवेरे वस्त्र आ रहा है? Proud of you, my boy. अरे यार, come on dude, तू यहाँ पर भूल लटका के बैठा है? वहाँ पूल में देख, लोग क्या क्या लटका के बैठे हैं, हाँ? देखना। एक बात तो confirm है dude, ये सब उस दूसरी लड़की का influence है। Converter मैं नहीं, वो है। Come. इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर है। How to get Simran back into my life? जिस तरह अर्जुन ने बाण छोड़ते वक्त
सिर्फ पॉपर पे निशाना लगाया था, वैसे ही मुझे डूड 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 एग्जाम्पल के तौर पे भी तू तो पॉपर की बात करी मत, ये होपलेस है। तू कहता ना कि सिमरन तेरी सोल मेट है, अरे सोल वाल तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द मेट? डूड लड़की को सकरू की नजर से देख, क्या इंप्रेस कर उसे, शो हर दैट यू आर अ मैन। तेरे लिए मुश्किल होगा लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते ना। हाँ नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अपना इंप्रेशन, क्या अपना इंप्रेशन माचो दे। हाँ यार तू सही कह रहा है, आई वांट टू शो हाउ मैनली आई एम। इस बार तो मैं अपना इंप्रेशन डेफिनेटली, सिर भी ना पता नहीं खुद कहाँ चला गया और मेरे हाथ में दे गया ये विक्की डोनर। सच्ची आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप खुद चेक करके देख सकते हैं। अरे तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से ही गोवा का नाम खराब होता है। चल चल तू। एक्सक्यूज मी सर, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये मेरा दोस्त है और मेरे लिए पोज कर रहा था। ये देखिए इसकी फोटो। ठीक है ठीक है, आगे से इसे जरा ठीक से पोज करने के लिए बोलिए मैडम, यहाँ पे बीच पे बच्चे भी खेलते हैं। सॉरी सर। थैंक्स सिमरन, वैसे तुमने मेरी फोटो क्यों ली? देखो इसमें ज्यादा मतलब निकालने की कोशिश मत करो, डोंट गेट एनी रॉन्ग आइडियाज ओके? लेकिन तुम तो मुझे हंस के देख रही थी। मैं तुम्हें हंस के नहीं देख रही थी, मैं तुम्हें देख कर हंस रही थी। सकरू, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ गया? शिट, सिट तो अब मेरी वाट लगा देगा। मैं जाना चाहता था इस चांद के साथ, पर अब मुझे जाना पड़ रहा है इस उजड़े चमन के साथ। जमीन पे मिले थे, आज आसमान में। ये तो हमारे मुलाकातों की हाइट हो गई। इफ यू डोंट माइंड, एक पर्सनल सवाल करूं मिस्टर डीजे? या श्योर श्योर। तुमने बजाना कब शुरू किया? आई मीन यू नो। अब इसमें पर्सनल क्या है? मैंने तो 16 साल की उम्र में ही बजाना शुरू कर दिया। ओह रियली? इट ऑल स्टार्टेड एट अ पार्टी, जब मैंने पहली बार अपने दोस्त को बजाते हुए देखा और उसे देखते ही
मेरे अंदर एक आवाज आई कि सिड तू इसी चीज के लिए पैदा हुआ है। और फिर क्या है, धना धन धना धन मैं बजाता रहा। एक बार तो 24 घंटे नॉन स्टॉप बजाया। ओह माय गॉड, यू आर अ सुपरमैन। थैंक यू। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, शुरू में तो वो भी काफी अपसेट थे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी शादी होगी कि नहीं, अब कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनका एक लौता बेटा ऐसे काम करे। उनके लिए ये सब गंदा था, लेकिन मेरे लिए ये धंधा था। और जैसे ही मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया, उन्हें फाइनली एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हमारा बेटा काम चाहे जो भी करे, पैसे अच्छे कमा लेता है। आपके जेब में जो फोन है वो वाइब्रेट कर रहा है। मैं तो फोन लाया ही नहीं। ओके। आई वॉज द एक्टिव पार्टनर, ही वॉज द स्लीपिंग पार्टनर। यू रिमाइंड मी सो मच ऑफ स्टीव। यहाँ तो लेने के लेने पड़ रहे। नीचे लो। खाक मजा आया। साले एडम को लगा कि मैं भी उसकी तरह उल्टे तवे पे रोटी सेकता हूँ। What? मैं वैसा नहीं हूँ यार। क्या? तुम वैसे नहीं हो? Really? अरे क्या really? मैं वैसा नहीं हूँ ये बिलीव कर रहा है? इतना डिफिकल्ट है क्या? Actually, मैं तो वहाँ तुम्हारे साथ जाना चाहता था, पर वो आ गया। साले की खुशी चेहरे पे कम, पैंट में ज्यादा दिखाई दे रही थी। तुम हंस रही हो? नहीं नहीं, आई एम जस्ट हैप्पी कि तुम वैसे नहीं हो। नहीं, वो मैं वैसा नहीं हूं ये सुनकर तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? अरे मैं कहां खुश हो रही हूं। एक्चुअली कहीं तुम एडम को कंपटीशन की तरह तो नहीं देख रही हो? व्हाट रबिश, ऑफ कोर्स नॉट। चलो अच्छा है, किसी की तो खुशी सही जगह पे दिख रही है। शर्ट दा मैता बटन सोनिए हर तेरे शर्ट दा मैता बटन सोनिए बालों का तेरे में फर क्लिप हो गया चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा देखते ही दिल ये स्लिप हो गया उमर गए यार दीवान हो तेरे लवर पुरान ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जान उमर गए यार दीवान हो तेरे लवर पुरान ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जान
रास्ता, वो तेरे पीछे 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 चल पड़ा। ये मेरा मन बावरा, तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनिए, उंगली का तेरी हाँ रिंग हो गया। हो गया तूने ख्याल को जो छू लिया, नींदों का न जाना लज हो गया। मर गए यार दीवाने और तेरे लवर पुराने, और डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जाने। Is equal to Nirvana. वाह, इतने सालों की दोस्ती में तूने फर्स्ट टाइम दिल खोल के दारू भी नोका है। It's Goa, dude. Let's party. वो कहते हैं ना, yeah. Live life, king size, smoking, drinking, and सकरू, सकरू, यार मुझे लगता है थोड़ी सी चढ़ गई है। सकरू मुझे बिल्ली नजर आ रहा है। तेरे को भी? हाँ यार, मेरे को भी बिल्ली नजर आ रहा है। मेरे को भी। This stuff is killer, dude. हाँ यार। ले ना ले ना, पी ना पी। मैं सकरू को नजदीक से देख के। हाँ 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 हाँ, देख ले यार। Okay. सकरू, I missed you. तेरे को बोल दो सकरू तू। सुना सकरू म्याओ म्याओ कर रहा है। हाँ यार मैंने भी सुना सकरू। इस टाइम फिर से म्याओ म्याओ किया। अल्लाह से रंग निकल रहा है। ये तो बिल्ली। What the f? ए उठ, उठ। छोड़ो ना। अबे उठ। ये सकरू की जगह बिल्ली कैसे आई? वो सकरू ने शायद कर लिया होगा। अबे चेंज करवाने के बाद कुत्ता कुत्ती बन जाता है, बिल्ली नहीं। तू सच बता सकरू का है? तुझे तुझे रोहित शेट्टी की कसम। देख सिद, अब तुझे सच तो बोलना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, मैंने सकरू को घुमा दिया।
तूने सकरू को घुमा दिया? सॉरी यार। ए चल चल, तू सॉरी वॉरी कुछ नहीं, समझा ना? मैं जानता हूँ तूने सकरू को जानबूझ के घुमा दिया। अब मैं सकरू को कहाँ ढूंढू यार? फ्रांसिस मार्लो? अगर फ्रांसिस मार्लो ने सकरू को पकड़ा ना, तू तो गया बॉस। ये ले, संभाल के रख, क्योंकि दिस इज द ओनली पुसी एलेवर गेट। व्हाट? क्या बोलता है ट्रिपी? ट्रिपी डूड, पता नहीं इस धरती के बॉस ने क्या खा लिया, ये तो गया काम से। देखना शॉट। अरे पता करो ये अफ्रीकन तोते कहां से आए। पिताजी सकरो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अन्नदाता। चट्टी सूंघ के तो मुर्दे भी जाग जाते हैं, लेकिन तेरे पे तो इसका भी असर नहीं हो रहा है। ट्रिपी म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अरे ये तो म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ट्रिपी तू ठीक है ना? ओके ना? अबे बोल ना ट्रिपी। समझ में नहीं आता इस कुत्ते की बैटरी हर आधे घंटे में रिचार्ज कैसे हो जाती है। माता जी। और अगर ये ऐसा है तो इसका मालिक कैसा होगा? हाय, फाइनली यू हियर। सो टेल मी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मिलकर ही सुनाना चाहते थे? अरे सुनोगी तो पागल ही हो जाओगी। तो मत सुना, घर में एक पागल काफी है। क्या? नहीं कुछ नहीं। सो टेल मी, व्हाट्स द बिग न्यूज? गोवा की सबसे बड़ी न्यूएस्ट पार्टी, डीजे सेट बजा रहा है। वाओ, दैट्स ऑसम। मैं चाहता था कि ये न्यूज सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाऊं। थैंक्स। वैसे ये पार्टी है किसकी? अरे वो तो अपने आप में एक कहानी है। अच्छा? तुम सुनोगे ना तो हंस हंस के गिर जाओगी। रियली? ये क्रेजी मिलियनेयर है फ्रांसिस मार्लो। वो इतना गॉनकेस है ना कि वो जरा एक कुत्ती को, एक कुत्ती को अपनी माँ समझता है। और तुम्हें पता है, तुम्हें पता उसकी माँ का नाम क्या है? रोज मेरी मार लो। रोज मेरी मार लो। फिर तो वो किसी कुत्ते को अपना बाप भी मानता होगा। Exactly, वो कहता मेरे ही कुत्ते को अपना बाप मानता है। वैसे तुम काफी इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूँ। और फिर तुमने उसे अपना कुत्ता देकर पार्टी ले ली होगी ना, है ना? इतने कम समय में तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानने लगी हो। अब ऐसा बकरा अपने हाथ से थोड़ी जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं। बस एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए, अपना कुत्ता यहाँ से लेके वन टास। कैसे? अरे क्या कैसे, मेरा कुत्ता है, मेरी स्पेशल सिटी सुनकर वो कहीं से भी वापस आ जाता है। वाओ, इट्स अमेजिंग। एक बार बजा के जरा दिखाओ प्लीज। सिटी? यू श्योर? या प्लीज। इट गोज लाइक दिस, पे अटेंशन। वेरी सॉरी मैडम, बड़े साहब तो कंट्रोल में ही नहीं रहते। बड़े साहब? इतनी देर से तुम जिस पागल
इडियट, गधे की बात कर रहे थे? हाँ? वो मेरे डैड है। डैड? ये मेरा कुत्ता नहीं है। आजकल कोई भी कुत्ता गले में पट्टा बांधकर गोद में बैठ जाता है। नॉट माई डॉगी, आई शपथ अनु। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। टीजे सिड। अनु, अनु, मेरी बात, अनु, अनु, अनु। छोड़ दो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है सिमरन तुम्हारी है? hmm. खुश रख पाओगे उसे? hmm. मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। रियली? शायद तुम्हें पता नहीं कि जो तुम्हारे पास है वो आजकल दुकानों में बिकता है। देखो, मुझे जो भगवान ने दिया है उसे चाइना के इन चीप प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर मत कराओ। सिमरन, ये लड़की तुम्हें बहका रही है। सिमरन, मेरे साथ चलो। सिमरन, आज तो पारो को जवाब देना ही पड़ेगा कि वो देवदास की है या चंद्रमुखी की। You know, Sim, I just don't understand why men are called dogs. कुत्ते ना वफादार होते हैं। I just can't believe कि सिड ऐसा निकला। Chill, Anu. Take it easy. हाय सिमरन, मैं मुंबई से गोवा तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूं। आई स्टिल बिलीव कि तुम ही मेरी सोलमेट हो सिमरन, और मेरा दिल नहीं मानता कि तुम वैसी हो। ट्रस्ट मी सिमरन, ये लड़की तुम्हें बहका रही है। हेलो, मैं बहका रही हूं? ये देख रहे हो, ये वही रिंग है जो तुमने सिमरन को दी थी, और ये इसने मुझे पहनाई है। मेरी दी हुई रिंग तुमने इसे पहना दी? इसका मतलब? मतलब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट? मेरी जेब में 5 रुपए नहीं थे, फिर भी मैंने तुम्हें 5 लाख की रिंग दी, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरी फीलिंग्स के बारे में। आज समझ में आया कि सोलमेट वोलमेट सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। शायद मैं इसमें कुछ ज्यादा मतलब ढूंढ रहा था। लगता है मेरी डेस्टिनी में वेडिंग रिंग नहीं, सिर्फ सफरिंग है। बाय सिमरन, बाय। हाथों की लकीरें आजकल ले रही है करवटें, ओ मेरी जिंदगी में तुम हो आ रहे। सुन रहा हूँ आहटें। Wrong with you, Sim? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम उसे प्यार करती हो? You're lucky कि तुम्हें आदि जैसा लड़का मिला है। Look at me. मैं जिसे प्यार करती हूँ, वो एक चीटर निकला। आदि जैसे लड़के को हाथ से मत जाने। Hi, Dad.
हजार फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। मर गए यार दीवाने वो तेरे लवर पुराने, हो डाई हार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। बिलीव नहीं होता ना, लेकिन करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये वही लड़की है डूड जो सिमरन की गर्लफ्रेंड है। आर यू श्योर? मैंने अपनी आंखों से देखा है डूड, मैंने सिमरन को जो रिंग दी थी वो उसने पहनी थी। रिंग? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नो वंडर वो एडम एंड स्टीव में थी। अपने सीन का तो फुल केरोसिन हो गया यार। जिन लड़कियों से हमने प्यार किया वो तो एक दूसरे से प्यार करती है। अब तो मुझे वो पार्टी भी नहीं चाहिए, बस सकरों को लेके निकल जाते। वैसे भी हमारे लिए रखा क्या? अब बस एक बात की खुशी है डूड, कि तू भी मेरी तरह कन्वर्टर निकला। गाना सुनाई दे रहा है? वेलकम टू द क्लब। व्हाट अ फनी गेम, वन स्टिक एंड सो मेनी बॉल्स। नाइस शॉट। बात क्या है डैड? तुम लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं शादी करने वाला हूँ। शादी इस उम्र में? मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माँ और पिताजी की शादी की बात कर रहा हूँ। आप कुत्तों की शादी करा रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज अनु। जरा सोचो, हम लोग कितने लकी हैं। तुमने कभी बच्चों को माँ बाप की शादी में जाते हुए देखा है? हम जाएंगे। हाँ। और शादी का मुहूर्त भी आज का ही निकला है। थैंक्स टू बाबा थ्री जी, मैंने तो शादी के कार्ड भी भेज दिए हैं। माइकल मार्लो वेड्स रोज मैरी मार्लो। ओके, नाउ आई विल गो टू माय बॉल्स। डैड, आदि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। Can we please meet? Sid! घर पर कोई नहीं है साहब, सब लोग शादी पर गए। शादी? हमको तो बताते हुए भी शर्म आती है, ऐसे कोई करता है शादी? अन्नु मैडम और उनकी सहेली के लाख मना करने के बाद भी ये शादी हो रही है। बस उस गुरु ने कह दिया और मार्लो जी मान गए। लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो रही है? अरे जो इंसान कुत्तों को मां बाप मान सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है यार। ये शादी तो रोकनी पड़ेगी डूड। लेट्स गो। आइए आइए। सारे देवगण भी आ गए। हाय अजय, थैंक यू फॉर कमिंग। छोटे, बस एक बार ये शादी हो जाए तो बाप के नाम पे भी ट्रस्ट खोलेगा। हाँ। सारा पैसा लेकर मायामी चले जाएंगे हम, तुम और सुदामा। फादर? यस मिस्टर मार्लो। पिताजी आप नहीं, फादर। फादर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गैदर्ड हियर दिस मॉर्निंग टू विटनेस द होली रियूनियन ऑफ अ वेरी अनयूजुअल कपल, रोजमेरी मार्लो। डू यू टेक माइकल मार्लो टू बी योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड? माँ हाँ कह रही है, मुस्कुरा भी रही है। Mr. Michael Marlowe, do you promise to take Miss Rosemary Marlowe to be your lawfully wedded wife? I now pronounce you man and wife. Now, ladies and gentlemen, it's party time. Thank you for coming.
दबा कर दे। यहाँ तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है डूड, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? हम नहीं जा सकते, लेकिन ये तो जा सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस लेले। अभी साले तुझे यही कार्ड मिला था क्या? लेले, इससे अच्छा इनविटेशन और क्या हो सकता है? That's nice, मिस्टर मार्लो। Yes? मैं पोपट। Okay? अब तो दिया था ना, उच्चे पैसे लेने आया हूँ। क्या दिया था? Hi, sweetie. मुझे आराम से लगा। तुझे अपने प्यार का वास्ता। बस कर यार, कितना लगा रहा है? थोड़ा और थोड़ा, बस 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 बस। पहली बार इतना लगवा रहा हूँ यार। थोड़ा और थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। अरे फिट नहीं हो रहा यार, बहुत टाइट है। स्ट्रेच कर, स्ट्रेच कर। अरे लगता है अटक गया। क्या? आराम से रोना फट जाएगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बैठे करते हैं। फाइनली काम हो गया। सिट किसी और के साथ? इम्पॉसिबल, ही इज माइन। ये मार्लो साहब ने हमें किसकी शादी पे बुलाया है? फोन पर तो कहा था कोई सरप्राइज शादी है। वो बात छोड़ो, हम गोवा मार्लो की सरप्राइज शादी में नहीं आए हैं। हम गोवा तुम्हारी बेटी को लास्ट टाइम समझाने के लिए आए हैं कि चिंटू के साथ शादी कर ले। इतने लड़के लोगों को ना कहेंगे हा? लोग क्या समझेंगे तुम्हारी बेटी में ही खोट है। अरे कितना क्यूट है ना। इनविटेशन प्लीज। थैंक यू। Excuse me, photo of the unique couple. Thank you. Thank you. What just happened? I was crazy. लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई सिमरन। अरे, तुमने अपना सेक्स चेंज करवा लिया? अगर तुम मेरी लाइफ में आने को तैयार हो तो मैं सेक्स चेंज करने को भी तैयार हूँ सिमरन। आदि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। नहीं हो? तो फिर ये शादी? वो तो अंकल कुत्तों की शादी करवा रहे हैं। कुत्तों की शादी? ऐसी शादी कराने के बाद ये भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी सोसाइटी में क्या मुंह दिखाए? जरा चेहरा देखिए उसका, कितनी दुखी लग रही है। पूछो इससे, पूछो क्या उस शादी से खुश है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, दिस इज माय पर्सनल डिसीजन। ओके, कैसे बाप है आप? ये भी नहीं सोचा कि आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? इनको तो बच्चे भी नहीं होंगे। मतलब क्यों? आपको डेफिनेटली इलाज की जरूरत है। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मुझे मिलते ही प्रपोज कर दिया। आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट। तुमसे ज्यादा चिपकू मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है, और अब लगता है इस चिपकू के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। मम्मा, I love you सिमरन। I love you too आदि। ये क्या कर रही हो सिमरन? आज तो मैं आपको अनाथ करके रहूंगा। देखते हैं कि ये आपके पिता है या मेरा भाई। ये तुम्हारे डैड है पायला गुजी। जीती मत रहो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ नहीं आई, वरना तुम्हारी हरकतें देख के उसको तो हार्ट अटैक आ जाता। ऐसी लड़की बांधना चाहते थे हमारे घर में? देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये ऐसी, I mean ये ऐसा नहीं है। अंकल आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो लड़का हूँ। हाँ। Thank God, कम से कम लड़का तो है। भाई, एक एक को चुन चुन के लेना। मार्लो, उसके अंदर एक बुरी आत्मा घुस गई है। ये बुरी आत्मा जरूर दिन की होगी,
शादी नाम था लेकिन काम हमेशा राज वाले करता था। इधर तेरे बोतल से पानी आ रहा है, उसके आग से पानी आ रहा है और इसके तो ये सब जो हो रहा है ये तुमने क्यों किया? ये शादी तोड़ने के लिए। How sweet. Thank you, Sid. वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हारी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ? Impossible. मेरी शादी? अरे अगर तुम दबा कर दे हो तो मैं क्या करूं? यहाँ मेरे पिताजी, कुछ करो यार। बर्लो जी, आपके पिताजी छूट गए। Let's begin the holy ceremony. दबा कर दे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह सर। ये म्युनिसिपैलिटी में कुत्ते पकड़ने का काम करता था। हाँ, आप जैसे लोगों को कुत्ते बेचकर ट्रस्ट खोलना और उनके ट्रस्ट के साथ खेलना, ये उसका पुराना धंधा है। सर, ना ही आपके पिताजी हैं और ना ही ये कोई गुरुजी है। इसे मैंने 4 साल जेल भिजवाया था, अब इसे वापस वही भिजवाना पड़ेगा। क्या ये सच है? मार्लो जी, अब फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं? ये आप ही के पिताजी है, ट्रस्ट में। ओहो, रावण क्या 3G बाबा की जीप पर लात मारूं? अवश्य। किसी ने मेरी मारने की कोशिश की तो मैं इन्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। ए, मेरे पास नहीं आना वरना गोली चला दूंगा। हम लोग हिंदी फिल्म के हीरो हैं। हम लोग नहीं मरने वाले। इस गलत फहमी में मत रहना, शोले में अमिताभ, आनंद में राजेश खन्ना भूल गए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म के हीरो थे और हम लोग ऑर्डिनरी फिल्म के हीरो हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये असली बंदूक है। मजा आ रहा है? दो दो बंदूक। तो फिर एक मुझे दे दो। कौन सी वाली? जिसमें कम मजा आ रहा है वो दे दो। तो ये ले लो। चलो दे। कानून का हाथ में मत लो। आपको किसने बुलाया? बुलाने की क्या जरूरत है, फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा है। अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? गुड पॉइंट। नहीं, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, वरना इस बाबा 3G के चक्कर में आकर मैं कुत्तों को माँ बाप समझकर उनकी शादी कर रहा था। वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन। आदि को आखिर उसकी सोलमेट मिल ही गई और सिमरन के आते ही उसे चिंगम भी मिल गई। गोवा की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी DJ सिड ने बजाई और वो भी अकेले नहीं, अनु के साथ। सखरू ने आखिर अपनी आदतें बदल ही दी। टुडे ही इज बिकम अ वन वुमन मैन। कुछ भी बोल यार, आखिर हमने अपना इंप्रेशन। माचोस की फोटो खींचो।
chance on me.